रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द न्यू लेक्चर। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 सेल, और तीन लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसके, और आज उसके हवाले से उसका लेक्चर नंबर 4 है। और टॉपिक है जी सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और डिफरेंशियली परमिएबल। तो ये सारे जो होते हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के ही नाम होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, और सेल मेम्ब्रेन के हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे क्या होती है, कंपोजिशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हम इसका फंक्शन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है ये, इसके अलावा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइट और एक्सोसाइट, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी लोकेशन क्या होती है, कि सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में कहाँ पे होती है और प्लांट सेल में कहाँ पे होती है। तो एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में जो होता है बेसिकली इसकी जो एनिमल सेल जो होता है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वही बाउंड्री उसकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो उसकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में हमने ये देखा था कि उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो बेसिकली सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल बाहर की जो होती है हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद। तो ये तो होता है इसकी लोकेशन के, प्लांट सेल की बेसिकली आउटर मोस्ट बाउंड्री, सॉरी एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, और प्लांट सेल में चूंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री उसकी सेल वॉल होती है तो बीनीथ द सेल वॉल क्या मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसकी हमने जस्ट देख ली 1959 के अंदर, 1959 में पेश किया गया था, और इसको पेश किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था डेविड रॉबर्टसन। तो जस्ट यही आपने याद करने के लिए यहाँ पे दो बातें हैं, रॉबर्टसन के दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1959 एंड साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस मॉडल वाज नेम्ड एज डेविड रॉबर्टसन। तो ये मॉडल क्या होता है, इस मॉडल के मुताबिक ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन की बेसिकली तीन लेयर होती हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ना ट्राई लेमिनार होता है, तीन इसकी क्या होती है, लेयर होती है, और ये जो तीन लेयर होती हैं इसमें मिसाल के तौर पर ये एक लेयर हो गई, यहाँ पे एक लेयर ये हो गई, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी एक और लेयर हो गई, एक लेयर हो गई, और इसी तरह से दरमियान में जो है ना इसकी एक और ये लेयर, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये लेयर मौजूद है दरमियान। तो ये तीन लेयर, एक दो तीन लेयर होती है, 1 2 3। अब जो इसमें हमारे पास होता है कि ये जो दो लेयर होती हैं, बाई लेयर ये जो होती हैं, ये जो बाई लेयर होती हैं ये बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है, ये भी प्रोटीन है और ये भी क्या होता है, प्रोटीन, और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, लिपिड्स मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो जस्ट ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है कि 1959 में डेविड रॉबर्टसन ने पेश किया था कि इसके मुताबिक तीन लेयर होती हैं, और जो ऊपर वाली दो लेयर होती हैं ये लेयर हो गई और ये लेयर, ये हमारे पास किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और अंदर ये जो रेड, ये रेड जो है इसका, ये हमारे पास क्या होती है, ये प्रोटीन, यानी ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, अंदर क्या मौजूद होते हैं, लिपिड्स के लिए मौजूद होते हैं। तो जस्ट हमारे पास ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो दूसरा जो मॉडल पेश किया गया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हमारे पास आता है जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये पेश किया गया था नियरली अबाउट 1972 में, और इसको पेश किया था साइंटिस्ट था, उसका नाम था एस जे सिंगर एंड गॉर्थ एल निकल्सन, ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको पेश किया था, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया था, पेश किया था 1972 के अंदर। अब इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, इस मॉडल के मुताबिक भी सेल मेम्ब्रेन की बेसिकली तीन ही लेयर होती हैं, ट्राई लेमिनार होते हैं, इसके भी क्या होती हैं, तीन ही लेयर होती हैं।
तो जो पिछला मॉडल था यूनर मेम्ब्रेन, एक चीज ना उसमें भूल गया कि वो मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया था। ये मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये इसके मुताबिक भी तीन लेयर, मिसाल के तौर पर ये इसकी एक लेयर हो गई और ये इसकी क्या हो गई, एक और लेयर हो गई, और इसके दरमियान में क्या मौजूद है, एक और लेयर मौजूद है, ये इसके दरमियान में एक और लेयर। अब ये जो लेयर होते हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, ये इसको हम बाई लेयर कहते हैं। अब ये जो बाई लेयर होती हैं, ये बेसिकली ये बनी होती है लिपिड की, ये भी लिपिड की बनी हुई है और ये भी लिपिड की बनी हुई। तो ये दोनों जो है किस चीज बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, और ये दरमियान में जो लेयर होती है बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन की होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है कि इसके मुताबिक ये होता है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इज बेसिकली लिपिड्स बाई लेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शली आर फुली एम्बेडेड। ये हम देखते हैं पार्शली क्या एम्बेडेड क्या होते हैं, फुली एम्बेडेड क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल आप यहाँ पे जो पॉइंट याद करने के लिए है कि लिपिड्स की दो लेयर होती हैं और इसके अंदर जो तीसरी लेयर मौजूद होती है, इसके अंदर वो किस चीज की होती है, प्रोटीन की होती है। डिटेल हम देखते हैं जी क्या होती है। यहाँ पे जो लिपिड्स मौजूद होते हैं बेसिकली उन लिपिड्स का नाम होता है फॉस्फोलिपिड्स। जो लिपिड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं उनका नाम होता है जी फॉस्फोलिपिड। तो ये दो लेयर बनाते हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं सेल ड्रा करूं, यहाँ पे ये एक सेल यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये दो लेयर जो है ये बनाए गए हमारे पास इस तरह से। एक लेयर यहाँ पे होगी तो ये एक लेयर, और इस तरह से ये पूरे सेल के अंदर जो है ये लेयर मौजूद होती है। ये इसी तरह से ये पूरे जो है वो सेल में ये लेयर क्या होती है, इसी तरह से मौजूद होती है ये। तो एक लेयर जो है ना वो ये यहाँ पे इधर जो है ना ये मौजूद है, लिपिड्स बाय लेयर है। तो अब इसी के साथ दूसरी लेयर भी यहाँ पे मौजूद होती है। ये हमारे पास एक लेयर हो गई और इसके साथ दूसरी लेयर भी जो है ना वो लिपिड्स बाय लेयर होती है ना, तो दूसरी लेयर भी यहाँ पे मौजूद होती है। तो ये हमारे पास सेकेंड लेयर है जो यहाँ पे मौजूद है। एक चीज ध्यान में रखें कि यहाँ एक दूसरे की जो टांग है ना वो एक दूसरे की तरफ करना है आपने, ये एक दूसरे की तरफ इधर टांगे जो है ना वो एक दूसरे की तरफ। ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स की बाई लेयर इसी तरह से ये मौजूद है। ये हो गया जी लिपिड्स बाई लेयर, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास क्या हो गया, लिपिड्स बाई लेयर मौजूद है, यानी लिपिड्स की एक लेयर और लिपिड्स की दूसरी लेयर मौजूद है। अगर फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को देखें तो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास इसके दो जो है ना वो रीजन होते हैं। एक हेड होता है, और हेड जो होता है बेसिकली इसका पोलर रीजन होता है। एक हेड होता है और हेड जो होता है ये इसका क्या होता है, पोलर रीजन होता है। और ये जो होता है ये इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। और दूसरा इसका ये जो वाला रीजन होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये टेल होता है। और जो टेल होता है ये हमारे पास क्या होती है जी, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर के साथ लव करता है, और ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जो पानी से करता है। तो अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो याद करने के लिए और देखने के लिए ये है कि ये एक सेल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है, और जो सेल होता है इसके बाहर बेसिकली एक्वस मीडियम होता है। एक्वस मीडियम, इसके अंदर भी एक्वस मीडियम है और इसके बाहर भी जो है वो एक्वस मीडियम है। और लिपिड्स जो होते हैं वो पानी में पोलर होते हैं, पानी में सॉल्व नहीं होते, लिपिड्स पानी में जो है वो सॉल्व नहीं होते। और जबकि सेल के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, सारा पानी मौजूद है। तो लिपिड्स पानी से नफरत करते हैं, दूर भागते हैं। तो लिपिड की जो सेल मेम्ब्रेन की जो बेसिक कंपोजिशन है उसमें तो लिपिड्स मौजूद है। तो फिर कैसे एक सेल जो एक्वस मीडियम में मौजूद है कैसे अपने आप को सस्टेन करता है, कैसे वहां पर मौजूद रहता है, तो उसको तो दूर भागना चाहिए पानी से। तो उसकी जो रीजन होती है वो ये होती है, बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स बहुत ही वो चलाक होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। एक्टिव इस तरह से होता है कि फॉस्फोलिपिड्स में बात कर रहा हूं, इसके दो रीजन होते हैं, एक इसका ये वाला रीजन होता है, उसका ये वाला रीजन। ये जो रीजन होता है इसको हम हेड कहते हैं, ये होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये पानी से लव करता है। और ये वाला रीजन होता है ये क्या होता है, हेट करता है पानी से। तो जो इसका हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे देखिए हाइड्रोफिलिक रीजन जो है ना वो एक्वस मीडियम की तरफ है, यहाँ पे भी एक्वस मीडियम की तरफ है, तो यहाँ पे भी एक्वस मीडियम की तरफ है। इस वजह से इसका सेल का और बाहर वाले एनवायरनमेंट का इस हाइड्रोफिलिक रीजन की वजह से जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो इसी वजह से सेल भी अपने आप को वहां पे क्या कर लेता है, सस्टेन कर लेता है। तो ये तो हमारे पास होता है एक्वस मीडियम। अब यहाँ पे जो प्रोटीन मौजूद होती है,
अब प्रोटीन बेसिकली यहाँ पे दो तरह की होती है, प्रोटीन जो होती है यहाँ पे दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी होती है इंट्रिंसिक होती है और दूसरी क्या होती है एक्सट्रिंसिक। अब पहले हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक क्या होता है। एक्सट्रिंसिक जो होती है बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर यहां पे मौजूद होती है, यहां पे जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रोटीन मौजूद है इन प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है ये हमारे पास क्या होते हैं जी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, ये हमारे पास है जी एक्सट्रिंसिक। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन बेसिकली वो इसके अंदर मौजूद होती है, इस तरह से ये इस तरह मौजूद है ये सारी इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन ये दो तरह की होती है, ये हमने पहले बात की कि लिपिड्स के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रोटीन होती है वो पार्शली या फुली एम्बेडेड होती है। अब इस तरह से होती है ये जो एम्बेडेड है ये पार्शली एम्बेडेड, फुली एम्बेडेड किस तरह से होगा, फुली एम्बेडेड इस तरह से होगा यानी वो अंदर की तरफ यानी पूरे के पूरे उसके अंदर क्या होंगे एम्बेडेड होगी, ये फुली एम्बेडेड है, ये पार्शली एम्बेडेड है और इस तरह से ये हमारे पास क्या है फुली एम्बेडेड है। तो ये जो होती है ये प्रोटीन होती है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बाहर पे सरफेस मौजूद होती है और इंट्रिंसिक अंदर, और इंट्रिंसिक या तो पार्शली एम्बेडेड होती है इस तरह से, अगर फुली एम्बेडेड होती है तो अंदर की तरफ ये जाती है। तो ये तो होता है प्रोटीन। अब यहाँ पे इसकी लेयर सरफेस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ CHO कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो मौजूद होते हैं वो अटैच होते हैं इस प्रोटीन के साथ, ये जो प्रोटीन मौजूद है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है प्रोटीन के साथ तो इसको हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। हमने ये बात की थी हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर का प्रोटीन, तो लास्ट उसका टॉपिक है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं प्रोटीन के साथ तो इसको हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास अटैच हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो ये अटैच हैं इस लिपिड्स के साथ, अगर लिपिड के साथ अटैच हैं तो इसको हम कहेंगे फिर इसका जो नाम होगा फिर ग्लाइको प्रोटीन नहीं होगा बल्कि इसका नाम क्या होगा ग्लाइको लिपिड्स होगा। तो दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, आई रिपीट इट, कि लिपिड्स की दो लेयर होते हैं जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल पार्शली या फुली क्या होते हैं एम्बेडेड होते हैं, डिटेल जो मैंने बताई है आपको। तो इसके अलावा ग्लाइको प्रोटीन भी होते हैं और ग्लाइको लिपिड्स भी होते हैं। इस तरह से होते हैं जिस तरह से सैंडविच होते हैं, सैंडविच मतलब जिस तरह से सैंडविच बर्गर नहीं होता, बर्गर उसमें ऊपर एक लेयर होती है एक लेयर नीचे होती है और उसके अंदर जो उसमें सैलड हो गया जो सारा जो मटेरियल होता है एग हो गया वो सारा उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो बेसिकली अंदर जो मौजूद है वो प्रोटीन है और जो ऊपर नीचे मौजूद है वो क्या होता है वो लिपिड्स बाइलेयर होती है। इसको फ्लूइड मोज़ेक इस वजह से कहते हैं बाजू का, ये इन मोज़ेक मैनर में ये फ्लूइड तैरती रहती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं प्रोटीन होती है वो एक मोज़ेक मैनर के अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में वो क्या करती रहती है तैरती रहती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका जो वाइटल फंक्शन होता है वो फंक्शन इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है जी एग्जिट एंड एंट्री। एग्जिट एंड एंट्री यानी मॉलिक्यूल को अगर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है तो बाहर से अंदर ले आना, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट मौजूद है तो उसको अंदर से लेकर बाहर ले जाना। तो ये इसका मेजर फंक्शन जो है ना वो इसका यही होता है कि एग्जिट एंड एंट्री होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन या डिफ्यूजन क्या होता है, सेलेक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या क्या होता है। अब यहाँ पे मैं सपोज ड्रा करता हूँ ये लिपिड्स बाइलेयर है, इस तरह से ये एक लिपिड्स बाइलेयर, ये लिपिड्स बाइलेयर है, लिपिड्स बाइलेयर मौजूद है। तो ये आप आगे जो हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस कर लें, डिफ्यूजन को हम देखें डिफ्यूजन क्या होती है। अब ये लिपिड्स बाइलेयर है और इसके साथ ये सारी आगे जो है ना ये सारा जो है ना ये सेल का साइटोप्लाज्म है, इस सेल का क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। अब सपोज ये लिपिड्स बाइलेयर है, ये सेल का बाहर का एनवायरनमेंट ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये जो है ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये जो होता है ये सेल का है इंटरनल एनवायरनमेंट है।
यह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और यह अब इस एक्सटर्नल के एनवायरनमेंट के अंदर छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो गया, लार्ज अमाउंट में ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं। यानी मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल मौजूद, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये मौजूद है यहाँ पे। अब डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पे कम मॉलिक्यूल मौजूद, डिफ्यूजन ये होती है कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है वो हाई अमाउंट में, ये अब यहाँ पे हाई अमाउंट है इसकी और यहाँ पे क्या है लो है, तो मॉलिक्यूल जो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो ये जो मूवमेंट होगी इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। कि मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट हो रही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये जो हमारे पास जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन के। तो डिफ्यूजन क्या सिंपल डेफिनेशन क्या करेंगे, डिफ्यूजन की सिंपल ये डेफिनेशन बनेगी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास क्या होता है डिफ्यूजन। आगे इसके साथ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन होगी इसके साथ आगे हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। अब ये भी बिल्कुल यहाँ पे सपोज लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ आगे फर्दर, तो ये सारे जो है ना ये लिपिड मॉलिक्यूल है, इधर भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। अब यहाँ भी हाई कंसंट्रेशन मौजूद है मॉलिक्यूल्स की, हाई कंसंट्रेशन में है ये मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है, तो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हाई से लो की तरफ होती है, ठीक है, इसमें सिमिलैरिटीज है, यानी ये भी हाई से लो की तरफ होती है, ये भी हाई से लो की तरफ होती है, लेकिन फिर इसकी क्या जरूरत है जब ये भी हाई से लो की तरफ होते तो इसको डिस्कवर ही ना करते। यहाँ पे एक फर्क है, फर्क ये है कि यहाँ पे बेसिकली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल मूव नहीं करते। अब जो चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो ऐसे नहीं मूव करते, उसके लिए एक चीज जरूरत होती है जी, और वो चीज होती है उसका नाम होता है प्रोटीन। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, ये आते हैं इस कैरियर प्रोटीन के साथ आते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं, इस रिसेप्टर से अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद ये यहाँ से इसको पकड़ कर लो की तरफ यहाँ पे ले आती है। तो फैसिलिटेटिव यही होती है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, तो कैरियर प्रोटीन की मदद से यहां से क्या करते हैं वो मूव करते हैं। अब एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं, वो हमारे पास होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पथ। एक्टिव इसी तरह से लिपिड्स के मॉलिक्यूल यहां आगे मैं ड्रा कर देता हूं और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, बस ये काफी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होती है कि यहां हमने बात की कि यहाँ पे भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे सॉरी इस रेड से मैं इसको शो कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ये मॉलिक्यूल जो मौजूद है लो अमाउंट में, यानी हमारे पास क्या है 1 है और 2 है, लो अमाउंट मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है हाई अमाउंट मॉलिक्यूल क्या है मौजूद है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है जी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होती है कि इसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो से हाई की तरफ, नीचे से ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ एनर्जी जरूरत होती है, एटीपी यहाँ पे होता है और एटीपी ब्रेक हो जाता है एडीपी की फॉर्म में, जब तो यहाँ पे क्या मिलती है एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी इसको नीचे से लो से हाई की तरफ लेकर जाती है, इसको हम क्या कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जस्ट इसका खुलासा ये है कि डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ मूव करता है, उसमें कैरियर प्रोटीन या किसी चीज कैरियर की जरूरत नहीं होती। सेलुलर डिफ्यूजन में हाई से लो की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे लो से हाई की तरफ मूव करें तो यहाँ एनर्जी जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जस्ट हमारे पास ये चीजें हो गई, हमारी कवर हो गई जी। और लास्ट है जी हमारे पास एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, साथ में एक सेल मौजूद है और एक लार्ज मॉलिक्यूल मौजूद है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, वो लार्ज मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर आना चाहता है, ना तो वो डिफ्यूजन के जरिए आ सकता है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है वो है जो फेवरेबल है वो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के ये मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा, तो जैसे इसके करीब आएगा, जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा, मैं इसको और कलर से शो कर दूं ताकि ये मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा,
तो जैसे ये मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करेगी, इस तरह से इनवेजिनेट फोल्ड करेगी। तो जो मॉलिक्यूल्स वहां बाहर मौजूद है वो अब मॉलिक्यूल्स यहां पे आ जाएगा, मॉलिक्यूल अब यहां पे आ जाएगा दोबारा क्या करेगी, जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुई है दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगी, वो रिकवर हो जाएगी। तो ये जस्ट यही है एंडोसाइटोसिस में जो मटेरियल लार्ज मटेरियल अगर वो अंदर आना चाहता है तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है अंदर की तरफ फोल्ड होती है और जो मटेरियल बाहर मौजूद है वो अंदर की तरफ आ जाता है। अब फिर इसके हमारे पास क्या होती है जी, दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक होती है पाइनोसाइटोसिस और दूसरा हमारे पास होता है जी फेगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस क्या होता है, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं लिक्विड मॉलिक्यूल तो इसको हम क्या कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, अगर हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड मटेरियल आ रहा है बाहर से अंदर की तरफ तो इसको हम क्या कहते हैं फेगोसाइटोसिस। जस्ट ये है पाइनो लिक्विड की हम बात करेंगे तो फेगो क्या होगा हमारे पास सॉलिड। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस अब ये मॉलिक्यूल जो अंदर आ गए यहाँ ये यूज हो गया, यूज होने के बाद ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इसने सेल से बाहर जाना है, अब सेल से बाहर जाने के लिए जो मेम्ब्रेन पहले अंदर की तरफ इनवेजिनेट हुई थी अब इस बार क्या होगी बाहर की तरफ क्या होगी इनवेजिनेट कि बाहर की तरफ इनवेजिनेट होगी तो ये जो मटेरियल यहाँ पे मौजूद है वो मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा दोबारा सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी वो रिकवर हो जाएगी अपनी जगह पे और इस तरह से जनाब ये जो मटेरियल है जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये बाहर की तरफ जो है ना वो आ जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया जी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को, तो होप आपको जो है ना वो समझ आ गया होगा लेक्चर। आई रिपीट इट कि आज हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया है, सेल मेम्ब्रेन का हमने लोकेशन देखिए कहाँ पे होती है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, स्ट्रक्चर में हमने हमने बात की, स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यूरिन मेम्ब्रेन मॉडल होता है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके साथ साथ हमने जो है वो आज के लेक्चर में हमने उसके फंक्शन को डिस्कस किया है कि फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सेलरेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंडो और एक्सोसाइटोसिस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।